इंदौर के नजदीक देवास जिले में एक युवक के साथ जमकर मारपीट के मामले में लसूड़िया पुलिस द्वारा पीड़ित के कहे अनुसार जीरो के अपराध दर्ज करने के बाद देवास के थाने में हस्तांतरित कर दिया गया है। दरअसल शराब कारोबारियों द्वारा युवक के साथ मारपीट होने की बात सामने आई है। दरअसल देवास जिले के रहने वाले गोविंद मोदी उम्र 20 वर्षीय को उन्हें देवास जिले में कुछ बदमाशों द्वारा जमकर मारपीट की गई थी। एक वीडियो भी बनाया गया था जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर इंदौर डीसीपी अभिषेक आनंद का कहना है कि घायल अवस्था में फरियादी गोविंद को इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ यहाँ पर सूचना मिलने पर पुलिस लठूड़िया द्वारा जीरो के अपराध में केस दर्ज किया गया है, जिसमें कुल 9 लोगों को अपराधी बनाया गया है और घायल का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि घायल शराब कारोबारी से जुड़ा हुआ था और इसी को लेकर उनमें कुछ कहासुनी हुई थी और इसके बाद घायल के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी थी। घायल ने हॉस्पिटल में पुलिस को बयान दर्ज किया है और इसी के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे घटनाक्रम में देवास पुलिस को अपराध हस्तांतरित कर दिया गया है और आने वाले समय में देवास पुलिस पूरे मामले में जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। ये पूरा घटनाक्रम जो है जिला देवास का है, जिसमें कुछ व्यक्ति जो है तो कुछ अन्य व्यक्तियों को मारपीट कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर उनको भर्ती कराने के लिए इंदौर लाया गया था उन व्यक्तियों को जो चोटिल थे, तो उस पर जो लसूड़िया थाने पर इसमें जीरो पर कायमी की गई है। पूरा मामला देवास जिले से संबंधित है और इसकी जो जीरो पर कायमी करके इसके अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला देवास भेजा गया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।